जय श्री राम फ्रेंड, निसान टेरानो डीजल कार जो कि उसका कंप्लीट सर्विस करके ले रहे हैं। तो पीछे का हमने ब्रेक वॉश करके ले लिया अच्छी तरह दोनों साइड का, और ये साइड का भी हमने साफ करके ले लिया, अभी सूख रहा है। क्या थे ओबीडी पॉइंट ये इस जगह पे लेफ्ट साइड में ग्लो बॉक्स में आता है। फ्रंट ब्रेक पैड खोल लिए, ब्रेक पैड अच्छा है, सॉकअप सस्पेंशन सारा चेक कर लिया, वो भी ओके है। ट्रिक वाटर वगैरह हमने चेक कर लिया हुआ है, एयर फिल्टर अभी निकाल रहे हैं, ऑयल फिल्टर का लोकेशन इस जगह पे है। तो राइट साइड का भी हमने ब्रेक खोल लिया, सस्पेंशन वगैरह चेक कर लिया, ब्रेक पैड भी अच्छा है, ऑयल खोले हमने नीचे से। तो देख सकते पतरा दिया हुआ, पतरे के अंदर एक 8 नंबर का स्क्वायर एलिंकी लगता है, इससे हमने ऑयल निकाल दिया बाहर। अभी इसका नया ऑयल वगैरह फिल्टर वगैरह सब चेंज करके लेंगे हम। ये ऑयल फिल्टर खोल के ले रहे हैं, रिप्लेस करके लेंगे अच्छे से। पैडल है तो उधर हमें एलिंकी रहता है 330 का, वो खोल के तो इस जगह पे इसका एसी फिल्टर आता है फ्रेंड, तो आपको दिखाते हैं। तो ये एसी फिल्टर इस जगह पे आता है, तो एसी फिल्टर हमने बाहर निकाल लिया है क्योंकि काफ़ी डस्ट है, इसको रिप्लेस करके नया लेंगे। टेरानो सर्विस सामान, इंजन ऑयल WD-40, ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, एयर फिल्टर है, रियर पीछे का व्हील वायरिंग, गियर ऑयल, कूलेंट और ब्रेक ऑयल, ये सारा चीज़ रिप्लेस करके लेंगे अभी हम। ये जूना वायरिंग है और ये नया वायरिंग है BSKF का, नया वायरिंग है ऊपर जूना वायरिंग है। तो ये लॉक है, बैठा के लेंगे इसको, हफ्ता भर लगेगा उनको। न्यू फिटिंग करके ले रहे हैं अभी, ऑयल फिल्टर टाइप फुल टाइप करके ले लिया अभी हमने, फिल्टर है जो फिट करके ले रहे हैं अभी, एयर फिल्टर बॉडी में, ये बॉडी में डाल दिया अभी, और इसको 20 नंबर के एलिंकी से फुल टाइट करके ले लेंगे। एयर फिल्टर हमने डाल के फिटिंग कर लिया अच्छी तरीके से, बॉडी कंप्लीट से फिटिंग करके ले रहे हैं, इंजन फिटिंग करके ले रहे हैं अच्छी तरीके से। देख सकते फ्रेंड हमने इसका एयर फिल्टर बॉडी पूरी तरह कम्प्लीट कर लिया है, सॉकेट और ये अभी क्लिप वगैरह सब टाइट करके ले लिया हुआ है, और पाइप वगैरह सारा फिटिंग करके लिए, ऑयल फिल्टर नया डाल दिया, इंजन ऑयल डाल के ले रहे हैं कैस्ट्रोल मैग्नेटिक 5W30 का, 4.5 लीटर ऑयल जाएगा हमारा इसके अंदर, गाड़ी के अंदर। एक लीटर देख सकते हैं ब्लू कूलेंट है, निसान की गाड़ियों में ब्लू कूलेंट डालना अच्छा रहता है गाड़ी के अंदर। और इसका डालने का नट प्लास्टिक का नट दिया हुआ है, खोलो उसको, तो इसको इस तरीके से हाथ से खोल लेना है, यहाँ से पाइप डाल के गियर ऑयल डाल के ले रहे हैं नया वाला, 80W-90 रहता है देखिए, इसमें 3 लीटर गियर ऑयल डालेंगे टेरानो में क्योंकि काफ़ी गियर बॉक्स बड़ा रहता है। इसका OBD पॉइंट इस जगह पे आता है ग्लो बॉक्स के अंदर, तो हमने फिट कर लिया है, हम स्कैन करके चेक कर रहे हैं, 8 स्कैन करके ले रहे हैं पूरा, 6 नंबर वगैरह टायरों में इसको स्कैन करके ले रहे हैं। तो जापान पे हम क्लिक करेंगे पहला, अभी हम टायरों पे क्लिक करेंगे, पिकअप डाउन था, स्कैन करके देखे तो ये मैप सेंसर ख़राब हुआ था हमारा, तो इसको रिप्लेस करके लिए हैं। फ्रेंड निसान टेरानो डीजल कार है, इसका टाइमिंग क्लस्टरमीटर का कैसे सेट करते हैं तो देखते हैं। तो पहले हमें इसको दबा के रखना है थोड़ी देर, फिर ब्लिंक करेगा, तो देख सकते हैं हम इसको दबा के रखेंगे ऐसा चेंज हो रहा है। तो बाकी गाड़ियों के जैसे नहीं, इसके अंदर इसी पे ही आपको अभी 3:00 हमारा 1:30 हो रहा है, तो इसको 30 सेकेंड भी लॉक कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो हम इसको इग्निशन बंद करेंगे फिर ऑन करेंगे, तो हमारा टाइमिंग सेट हो गया 3:30। इस तरीके से डस्टर या हमारा निसान का टेरानो हुआ, डस्टर हुआ, लॉट का गाड़ी का, इस गाड़ियों का टाइमिंग इस तरीके से सेट करते हैं।